भारत एक सांस्कृतिक देश है, आस्था जिसकी मजबूत नींव है और तीर्थ क्षेत्र महान संस्कृति का आधार है। भारत का कोई भी नागरिक जीवन में कम एक बार तीर्थ यात्रा करता ही है, क्योंकि यह साधारण यात्रा नहीं होती, इसमें पाप धुल जाते हैं और एक नई शुरुआत का आनंद लिए यात्री समाधानी हो जाते हैं। असल में समाधान पाने का ये बहुत ही सरल उपाय है। तो चलिए अपनी जीवन झोली समाधान से भरने के लिए निकलते हैं महानंदी क्षेत्र के दर्शन के लिए। महानंदी क्षेत्र, ये क्षेत्र आंध्र प्रदेश के नंदियाल शहर से करीब 15 किलोमीटर की दूरी के भीतर कर्नूल जिले में बसा है। ये क्षेत्र श्री साइलम के दक्षिणी द्वार में से एक है। प्राचीन ऋषियों ने दिव्य स्थानों के तौर पर इन क्षेत्रों और तीर्थों को चुना ताकि वो अपनी तपस्या कर सकें। क्षेत्र और तीर्थों के उनके मूल्य अनुसार अलग अर्थ हैं। क्षेत्र को देवी देवताओं की मूर्तियों के साथ पवित्र माना जाता है और तीर्थों को जल के साथ पवित्र माना जाता है जो उस जगह से बहता है। सर्वेश्वर ही सर्वान्नमय है जो पूरी दुनिया में फैला है। मंदिर के निर्माण का उद्देश्य मन को शांति देना है। मंदिर में हर तरफ फैली हुई पवित्र लहरें पूरे स्थान को शांत और प्रसन्न करती हैं। मंदिर में प्रवेश करते ही भक्तों को मन की शांति मिलती है। ये एक पवित्र स्थान है, पूजा का स्थान है। इस स्थान पर लोग प्रार्थना, जाप और ध्यान भी करते हैं। इससे इंसान के मन को गहरी और अटूट शांति मिलती है। भारत में ऐसे असंख्य पवित्र स्थान हैं। भारत महर्षियों का निवास स्थान है। एक बार नल्लामला के जंगल में सिलाड़ा ऋषि रहा करते थे। उन्होंने एक छोटी सी झोपड़ी बनाई और अपनी पत्नी के साथ रहने लगे। वो हमेशा ही ध्यान और तप में मग्न रहते थे। वो भोजन में सिलास लिया करते थे, इसलिए उनका नाम सिलाड़ा था। उनके कोई बच्चे नहीं थे, इसलिए उनकी पत्नी ने उनसे बच्चे की मांग की। वो अपनी पत्नी की इच्छा पूरी करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने लंबे समय तक सर्वेश्वर के लिए कड़ी तपस्या की। शंकर भेष बदलकर उनके यहां रहने लगे। सिलाड़ा ये जानकर बड़े खुश हुए। कुछ दिनों बाद परम शिव ने उन्हें अपने दर्शन दिए और उनसे पूछा, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? सिलाड़ा अपनी पत्नी की इच्छा भूल गए और परमेश्वर से कहा कि वो हमेशा के लिए उनकी सेवा करना चाहते हैं। लेकिन सर्वेश्वर ये जानते थे कि वो अपनी पत्नी की इच्छा भूल गए, इसलिए उन्होंने उनसे कहा कि वो दोनों की इच्छाएं पूरी करेंगे। उन्होंने ऋषि को आशीर्वाद दिया और अदृश्य हो गए। उसके तुरंत बाद उन्हें उस गुफा में एक बच्चा दिखाई दिया। उन्होंने उसे उठाया। उन्हें बहुत खुशी हुई। उन्होंने उसका नाम महानंदा रखा। दिन ब दिन बच्चा बढ़ने लगा और वह गुरुओं से धार्मिक प्रशिक्षण प्राप्त करने लगा। उसने अपने माता पिता से भगवान शंकर की तपस्या करने की मांग की। वो बहुत खुश हुए और उसे आशीर्वाद दिया। महानंदा ने भगवान शंकर की कड़ी तपस्या शुरू कर दी। जल्द ही परम शिव उनके सामने प्रकट हुए। लड़के ने उन्हें प्रणाम किया और कई भजनों से उनकी प्रशंसा की। परम शिव प्रसन्न हुए और उसे वरदान देने के लिए तैयार हो गए। लड़के ने परम शिव से उनका वाहन बनने की मांग की। परम शिव ने गुफा की तरफ इशारा करते हुए मंजूरी दे दी और उससे कहा कि मेरे प्रिय पुत्र,
मैंने एक बार इस गुफा में जन्म लिया था। यह स्थान जल्द ही प्रभावशाली और धार्मिक नदी में बदल जाएगा और निरंतर बहता रहेगा। यह स्थान पवित्र और लोकप्रिय क्षेत्र बन जाएगा, जिसे तुम्हारा नाम दिया जाएगा, जो है महानंदी। ऐसा कहकर परमेश्वर ने उसे अपने वाहन नंदी के रूप में बदल दिया और कैलाश चले गए। इस स्थान पर जो गुफा दिखाई पड़ती है उसे अब महानंदी क्षेत्र कहते हैं। बहुत ही प्रभावशाली और पवित्र स्थान। भारतीय तीर्थों की कहानी याद करते हुए एक बात समझ आती है कि इन तीर्थों एवं आध्यात्मिक क्षेत्रों पर ऋषि मुनियों का वास रहा है। वे कभी यहाँ निवास किया करते थे। एक बात तो तय है कि वे ऋषि दैवी शक्तियों से समृद्ध थे। महानंदी क्षेत्र में सिलाडा नाम के ऋषि रहा करते थे। आइए सुनते हैं सिलाडा ऋषि की महानंदी क्षेत्र से जुड़ी एक कहानी। ये दक्षिण भारत के कई पुराने मंदिरों में से एक है। इस क्षेत्र का निर्माण कृथा युग में हुआ था। स्थल पुराण के मुताबिक यहाँ एक बार एक ऋषि रहा करते थे जिसका नाम था सिलाडा। वो हमेशा सिलास खाते थे, यानी पत्थर, जो उनका सामान्य भोजन था, इसीलिए उनका नाम सिलाडा था। उनके बच्चे नहीं थे। उन्होंने सर्वेश्वर की कड़ी तपस्या की थी। फिर भगवान शंकर उनके सामने प्रकट हुए और उनसे पूछा उन्हें क्या वरदान चाहिए। सिलाडा ने परमेश्वर से बच्चे की मांग की। भगवान शिव ने उन्हें दो बच्चों के साथ आशीर्वाद दिया। उनका नाम था पर्वता और नंदन। कुछ समय बाद पर्वता अपने तपस्या से पर्वत बन गया
और अब उस पर्वत को श्रीशैला पर्वत कहा जाता है। दूसरे बेटे नंदन ने भी लंबे समय तक भगवान शंकर के लिए कड़ी तपस्या की, फिर परमेश्वर उसके सामने प्रकट हुए। नंदन ने भगवान शंकर से मांग की कि वो हमेशा के लिए उनका वाहन बनना चाहता है। परमेश्वर ने मंजूरी दे दी और उसकी इच्छा पूरी की, इसलिए इस जगह को उसके नाम महानंदी के नाम से पुकारा जाता है। इसके आसपास की जगह को नंदी आला कहते हैं, नंदी कोटकुर। उसके बाद ये जगह एक प्रभावशाली धार्मिक जगह में बदल गई और पवित्र लोकप्रिय क्षेत्र महानंदी में तब्दील हो गया। एक जमाने में इस जगह पर नंदा राजा का राज था। एक चरवाहा हर रोज अपनी गायों को जंगल में चराने ले जाया करता था। उनमें से एक कपिला नाम की गाय उन झाड़ियों में प्रवेश करती थी और अपना दूध उस घास पर बहाकर घर लौट जाती थी। अगले दिन चरवाहे ने गाय का पीछा किया। गाय ने हर रोज की तरह झाड़ियों में प्रवेश किया। गाय घास पर खड़ी हो गई जो चींटियों की बांबी से ढकी थी। उस छेद में से एक बच्चा बाहर आया और गाय का दूध पीने लगा। गाय वापस आकर अपने झुंड के साथ घर लौट आई। चरवाहे ने सारी कहानी राजा को बताई। राजा बहुत खुश हुए और उन्होंने वो नज़ारा देखने का तय किया। अगले दिन वो घोड़े पर बैठकर जंगल में गए। वो गाय का पीछा कर रहे थे, उनकी नज़रें लगातार गाय पर थी। गाय ने झाड़ियों में प्रवेश किया, चींटियों के बांबी पर खड़ी हुई और उसके स्तन से दूध बहने लगा। छेद में से एक बच्चा बाहर आया और गाय का दूध पीने लगा। फिर राजा जोर से चिल्लाए, हर हर महादेव। गाय डर गई और दूर भागने लगी। जल्दी जल्दी में वापस लौटते समय गाय के पैर उस छेद में घुस गए और वो बच्चा अदृश्य हो गया। राजा बड़े आश्चर्य के साथ घर लौट गए। उसी रात राजा को एक सपना आया। उसने सपने में परमेश्वर उनके सामने प्रकट हुए और राजा से कहा, उस छेद में से मैं खुद दूध पी रहा था, वहां एक मंदिर बनाओ, मैं उस जगह पर रहूंगा। गंगा देवी भी अपने तेज से मेरी सेवा करेगी, तुम्हारी महिमा अनंत होगी। इस गोपुरम को जिन्होंने बनवाया था रससिद्धा भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। हजारों साल पहले ये गोपुरम मंदिर रससिद्धा के तकनीक द्वारा रेत से बनाया गया था। हालांकि इस मंदिर को रेत से बनाया गया, वो रेत पत्थर की तरह सख्त और मजबूत थी। इस मंदिर की और एक खास बात यह है कि इसके शिवलिंग के नीचे हमेशा जलधारा बहती रहती है। राजा ने एक तालाब का निर्माण किया। इस शुद्ध पानी के अंतहीन बहाव का नाम है रुद्रकुंड। उन्होंने दोनों तरफ और दो तालाब का निर्माण किया, उत्तर और पूर्व दिशा में। उसमें खूब पानी था। वो चाहते थे ब्रह्मा गुंडा और विष्णुगुंडा नाम के तालाब भी लोकप्रिय होने चाहिए। स्कंदर्प और पद्म पुराण के अनुसार हर साल गंगा देवी इस जगह विशाखा शुद्ध सप्तमी पर आती है और यहाँ स्नान करती है। ये अंतहीन पवित्र पानी सभी मौसम में बहता है और 2000 एकड़ जमीन पर पानी की आपूर्ति की जाती है। इस जगह पर हर साल महाशिवरात्रि का उत्सव बड़ी धूमधाम में मनाया जाता है। उसी धूमधाम से यहाँ नवरात्रि और ब्रह्मोत्सव भी मनाया जाता है। हमारी परंपरा के अनुसार क्षेत्र और तीर्थ के अलग अलग अर्थ हैं। क्षेत्र देवी और देवता की मूर्तियां के साथ पवित्र हैं। तीर्थ जल के साथ पवित्र माना जाता है जो इस जगह पर बहता है, जो गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्ण, कावेरी है। लेकिन महानंदी ये जगह देवी देवताओं की मूर्तियों और जल दोनों से भरपूर पवित्र और प्रभावशाली है। ये क्षेत्र सिर्फ एक क्षेत्र ही नहीं बल्कि ये एक तीर्थ भी माना जाता है। इस क्षेत्र की एक और खासियत है, हमारे यहाँ 9 मील के दायरे में
9 नंदी मौजूद हैं। यदि हम एक दिन में सभी 9 नंदियों की यात्रा करते हैं तो ये एक कैलाश यात्रा के बराबर है। ये भारत का एक बहुत ही प्राचीन और स्वयंभू परमेश्वर क्षेत्र है। आप इस जगह पर आकर दर्शन कीजिए, भगवान शिव की कृपा आप पर बनी रहेगी। Thank you.
शंकरणाय महावासुदेवाय महाप्रद्युम्नाय महाबुद्धाय महापुरुषोत्तमाय महावक्त्राय महासिंहाय नमः अचुराय महानाथाय महारूपेन्द्राय नमः हरये नमः श्रीकृष्णाय नमः श्रीकृष्णपरब्रह्मणे नमः साक्षात् ఈ మూడేళ్లతో తీసుకొని వాసన చూసి వెనక్కి వేసుకోవాలి. ఉత్తిష్టంతో భూతభిషాగా యతే భూమి భారకా యతే నామ విరోధేన బ్రహ్మ కర్మ సమారభే ప్రాణాయామం చేయాలి. కుడి వైపు శ్వాస పీల్చి ఎడం వైపు వదలాలి. అట్లా మూడు సార్లు చేయాలి. ఈ మూడు వేళ్లతో చేయాలి. ఈ వేళ్ళని తప్పెట్టుకొని ఒకసారి శ్వాస పీల్చాలి, ఒకసారి వదలాలి. అట్లా మూడు సార్లు చేయండి. అంగుళయాత్రే నాసికాగ్రే సంప్రీత్యం పాపనాశనం ప్రాణాయామం ప్రోక్తం ఋషి పరికల్పితం. కాస్త పుష్పాలు అక్షంతలు తీసుకొని ఎడమ వైపు ఆ స్వామి చూపిస్తారు ఎక్కడ పెట్టుకోవాలని వైద్యవశ వారు. ఎడమ వైపు పుష్పాలు అక్షంతలు అక్కడ పెట్టుకోవాలి. ఆయన ఆయన చూపించినట్టుగా పెట్టండి. ఇప్పుడే వచ్చినటువంటి వారు ఎవరన్నా ఉన్నా కూడా వచ్చి కూర్చోండి. మీకు కావాల్సినటువంటి పూజా ద్రవ్యాలని అన్ని అందజేస్తాం.
वैसे शुद्धता का और भारतीय तीर्थों का एक अलग ही रिश्ता है। महानंदी का ये क्षेत्र प्राकृतिक शुद्धता के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध माना गया है। यहाँ तक कि इस क्षेत्र से बहने वाला पानी आज तक अपवित्र नहीं हुआ। आइए जानते हैं यहाँ के पानी की विशेषता क्या है। मैं इस मंदिर का एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हूँ। हमारे भक्तों के लिए मैं कुछ शब्द कहना चाहता हूँ। ये कृतयुग का एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर की सबसे बड़ी खास बात यह है कि यहाँ का शुद्ध पानी कभी खत्म नहीं होता। पूरे भारत में सिर्फ यही एक ऐसी जगह है जहाँ साल के 365 दिन पानी बहता रहता है, और ये पानी बिल्कुल शुद्ध होता है। अगर हम इसमें एक रुपए का सिक्का डालते हैं तो हमें नीचे जमीन पर गिरा हुआ सिक्का साफ साफ दिखाई देता है। अगर हम यहाँ स्नान करते हैं तो हमारे शरीर और दिमाग की सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। इस शिवलिंग के नीचे से गंगा बहती है, इसलिए ये जगह पानी से पवित्र है, जिसे तीर्था कहते हैं। भारत में ये बहुत ही विशेष जगह है। यहाँ की एक और खास बात यह है कि यहाँ की हवा बहुत शुद्ध है, क्योंकि वो जंगल से आती है। नलामला जंगल इस जगह के बहुत करीब है। ये मंदिर नंदियाल शहर से करीब 18 किलोमीटर की दूरी के भीतर कर्नूल जिले में बसा है। यहाँ हमेशा बारिश होती है। यहाँ हमेशा मध्यम तापमान होता है। इस जगह को पंचभूत क्षेत्र भी कहते हैं। हम इसे गंगा क्षेत्र भी कहते हैं। भगवान शंकर कैलाश पर्वत से यहाँ अवतरित हुए थे और कुछ समय के लिए यहीं रहे थे। कैलाश पर्वत के बाद भगवान शंकर को ये जगह अच्छी लगती थी। श्री पोथलुरी वीर ब्रह्मेंद्र स्वामी भी यहाँ काफी बार आ चुके हैं। इसलिए मैं सभी भक्तों से विनती करता हूँ कि इस जगह पर आइए और भगवान शंकर का आशीर्वाद लीजिए। ये महानंदी क्षेत्र हमें विश्वास दिलाता है कि धरती पर यह भगवान शिव का घर है, और जो भी भक्त यहां आते हैं उन्हें सिर्फ भगवान शिव का ही नहीं बल्कि देवी गंगा का भी आशीर्वाद मिलता है। जो लोग यहां दर्शन करने आते हैं वो बहुत ही भाग्यशाली होते हैं, और यहां के 9 नंदियों की पूजा करके वो अपनी कैलाश यात्रा पूरी करते हैं। अगर एक बार आप इस जगह पर आते हैं तो आपके मन को शांति मिलती है और आपको ऐसा लगेगा जैसे आपके सारे दुख सारे दर्द भगवान शंकर दूर कर देंगे। आप सारे दुखों से मुक्त हो जाएंगे। ओम नमः शिवाय। जीवन भर धन दौलत के पीछे हम दौड़ते रहते हैं, लेकिन समाधान की प्राप्ति नहीं होती। समाधान एक ऐसा धन है जिसे धन से पाया नहीं जाता। समाधान पाने के लिए बस एक ही उपाय है, और वो है बाबा भोलेनाथ महादेव की अपरंपार भक्ति। बस उन्हीं का ध्यान और चिंतन करने से सारे पाप दुख और कष्ट धुल जाते हैं, मन का बोझ हल्का हो जाता है। महादेव की सेवा से भरा मन समाधानी हो जाता है और जीवन का उद्देश्य सफल होता है। अगली यात्रा पर समाधान का ये अनुभव दोबारा लेंगे। तब तक के लिए जय भोला भंडारी।